5000 का नोट मैंने साथ में रखा। फर्स्ट बाइट ऑफ द ग्रेट चिकन डिलक्स। माशाल्लाह। वेलकम टू द सेकंड डे इन इस्लामाबाद। शलवार साहब ने मेरे लिए ये ब्लैक शलवार कमीज लाए। शलवार और कमीज काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे ये वेस्ट कोट या वास्केट यहाँ पे कहते हैं, ये बड़ी पसंद आई है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे जो है ना चांद एंड सितारा है। It's amazing. कल रात को इस्लामाबाद में जबरदस्त किस्म की बारिश हुई थी और मैंने पूरे 5 साल के बाद इतनी प्यारी बारिश देखी है। इस वक्त रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:25 और सख्त बारिश शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। हाय हाय हाय, ये ठंड भी हो गई यार, सुबह से ही गर्मी थी यहाँ पे। इस वक्त हवा तेज हो गई है, जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। बेहतर है कि मैं पर पूरा भीग जाऊं, अंदर चला जाऊं। इस परफ्यूम की वाइब्स ही बिल्कुल अलग है। इन्विक्टस बाय पैकोरोबान। वैसे पाकिस्तान में इनकी काफी अहमियत है, मैं इनका काफी यूज है। ग्रीनरी आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द रीजन फॉर दिस इज सऊदी मैकडॉनल्ड्स और पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स में कितना बड़ा फर्क है, इनके बर्गर्स में कितना बड़ा फर्क है। वैसे तो सुनने में आया है कि पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स उस टाइप का नहीं है, लेकिन आज कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि ये इनफ रहेगा अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये न्योट बड़ा प्यार है। स्पेशली मिस्टर जिना, अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करें फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। और दूसरी साइड पे हमारी प्यारी फैसल मस्जिद, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। लेकिन इसके अलावा ये जो ग्रीनरी है ना बॉस, इसकी कोई प्राइस नहीं है। अमेजिंग, एक्सट्रीमली अमेजिंग। और इस तरह हम लोग मैकडॉनल्ड्स में आ गए, लेकिन यहाँ पे केएफसी भी नजर आ रहा है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अरे वाह, पहला इम्प्रेशन तो बड़ा ज़बरदस्त है। इतना ह्यूज ब्रांच है ये, यहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे ख़त्म होती है। और बाहर सिटिंग भी है इनके पास। जीरो में सिटिंग नहीं होती है, अलबत्ता छोटी सी सिटिंग होती है बाहर। माशाल्लाह अच्छा है। और ये इन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, आई थिंक कोई कल्चरल थिंग है इधर, आई थिंक। करेंगे ऑर्डर, इधर होगा। म्यूजिक लगा हुआ है, पता नहीं क्या जो है चिकन डिलक्स है ना, आई थिंक ये वाला स्पाइसी ग्रैंड चिकन डिलक्स मील। नो थैंक्स, डन। प्रोसीड टू चेकआउट। ये हो गया पैसे देने के लिए। अच्छी था, क्विक एंड फास्ट, बट काउंटर पे उतर ज़्यादा अच्छा नहीं। टेक अवे। यहाँ पे अलविदा फ्री वाईफाई मिलता है जी, ये सऊदी अरब में नहीं मिलता। पूरे 10 मिनट के बाद हमें अपना ऑर्डर मिल गया। एक चीज़ है कि यहाँ पे ड्रिंक्स इसमें देते हैं, वहाँ पे दूसरी चीज़ों में देते हैं। डोनल्ड से बिल्कुल बाहर खजूरों का दरख्त है और यहाँ पे ठीक ठाक खजूरें लगी हुई हैं। अगर साथ साथ होते हैं ना तो उनको ये खजूरें बहुत ज़्यादा अच्छी लगनी थी। सऊदी के बगैर खजूरें देख के वो हैरान होते हैं। अभी हम लोग जगह देख रहे हैं कहाँ गाड़ी खड़ी करके ना वीडियो बनाए, क्योंकि अंदर रश थी और बाहर गर्मी बहुत। भाई की छोटे भाई की गाड़ी है। आई होप कि मैं इतना गंदा करूँ। मुश्किल है लेकिन, बट रिव्यू तो लाजमी है ना। पैकिंग एग्जैक्टली जैसा सऊदी अरब की होती है। टिश्यू दिया। बॉक्स की क्वालिटी थोड़ी सी नरम है बट ठीक है, बाद में देखते हैं। चिप्स एग्जैक्टली जैसा सऊदी अरब के होते हैं। बिस्मिल्लाह। डिलीशियस। अलबत्ता सऊदी अरब में ये नहीं देते, सऊदी अरब में सिर्फ ये देते हैं केचप। यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस मिलता है एक्स्ट्रा। पेप्सी को इसमें देख के जो है ना मुझे हैरानगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे इससे पेप्सी नहीं मिलती। मैंने डाइट लिया ऑफ कोर्स, लेकिन डब्बा या कप बिल्कुल उसी जैसे। ज़िया भाई को सॉरी कहते हैं कि उनकी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी है मैंने। टेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पेप्सी डाइट, ये ज्यादा टेस्टी है सीरियसली, अमेजिंग। मेन आइटम जो कि जिसपे ये पूरी वीडियो बनी है, दैट्स ग्रैंड चिकन डिलक्स। सुभानअल्लाह, ओह वाओ, इसका साइज भी वैसा ही है, बेहतरीन साइज है जिसका साइज होता है। माशाल्लाह बन भी उसी टाइप का जबरदस्त किस्म का, अंदर जो है सॉसेज एंड एवरीथिंग, टमाटर, और ये जो है चिकन बिल्कुल उसी साइज की है, एग्जैक्टली द सेम, नो डाउट। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट बाइट ऑफ द ग्रेट चिकन डिलक्स, देखते हैं कैसी है, देखने में तो बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाह। कुछ पाकिस्तानी स्टाइल का बनाया हुआ है, स्पाइसी है, बल्कि इसका टेस्ट मुझे अपने उधर के टेस्ट से काफी बेहतर लगा है, साइज भी बहुत अच्छा है और प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेजिंग, जबरदस्त। ये जो गार्लिक सॉस है इसका देखना, यहाँ पे लगाई गार्लिक सॉस, फिर आपने मैकडॉनल्ड्स के चिप्स बैक सीट से लिया और इनके ऊपर लगाया। बिस्मिल्लाह, एक्सट्रीमली डिलीशियस। यार गार्लिक सॉस मैकडॉनल्ड्स की यहाँ पे बहुत डिफरेंट और बहुत मजे की और टेस्टी, एक्सट्रीमली टेस्टी है। हमारा छोटे भाई ने जी पाकिस्तानी ब्रांड का मंगाया, इसको कहते हैं रेंचर्स, और सुभान अल्लाह ये कितना जबरदस्त है, अमेजिंग। रेंचर्स बर्गर का भी हम लोग जल्दी रिव्यू करेंगे, कहते हैं इनका भी ब्रांड बड़ा जबरदस्त है और यहाँ का ही है, लोकल। अच्छा, अगर बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो इन्होंने बड़ी अच्छी ब्रांडिंग की हुई है, इनके पास जाना लाजमी है, इनका रिव्यू करना बहुत लाजमी है इंशाल्लाह। बर्गर तो मैंने खा लिया, लेकिन उसके बाद मुझे बिजनेस का जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने ये लोकेशन देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी और दिल करता है कि यहाँ पे अल जदीद की ब्रांच हो। हमें फूड बिजनेस देख के ना ये बड़ा शौक चढ़ा है कि यार कुछ ना कुछ अपना ब्रांड भी होना चाहिए। यहाँ पे छुट्टियों पे तो आया हूँ, जस्ट वांटेड टू चेक कि अगर यहाँ पे हो तो कैसा होगा। यहाँ पे अगर अल जदीद की ब्रांच हो तो, और यहाँ पे अगर विंडो लगी हुई हो तो ये नज़ारा आपको मिलेगा। सिर्फ ये जो दरख्त है ना ये इसकी पब्लिसिटी को रोकता है। लुक एट इट, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। लोकेशन सीम्स परफेक्ट क्योंकि यहाँ हर जगह पर रेस्टोरेंट भी रहते हैं। वो सामने मैकडॉनल्ड्स देख रहे हैं, वो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है जहाँ से अभी मैंने बर्गर लिया था, और इसी प्लाजे के छत से ये व्यू मिलता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लाजा, अच्छी जगह पे, मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेस, और ये यहाँ से लोकेशन मिलती है। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे ही हैं और वहाँ पे सामने कुछ ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स एंड KFC एंड ऑल। माशाल्लाह जबरदस्त व्यू है यहाँ से, नीचे इतना ऊपर है, ये देख लें, जबरदस्त है ना। फिर के प्लाजों का सिर्फ एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि नीचे जो बेसमेंट होता है यहाँ पे भी ये रेंट पे दे देते हैं फॉर शॉप्स एंड ऑल, बाकी आप ऊपर फिर चले जाएं, नो वरीज। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, दैट्स ओनली बेसमेंट से ऊपर ही, ग्राउंड फ्लोर, मेजन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। मगरिब की नमाज होगी और नमाज पढ़ने के लिए हम बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद में आए। कहते हैं कि मस्जिद के सैन में जो है ना आप अपने शूज़ रखें, अंदर ना लाएं, हमने यहाँ पे रख ली। वजू खाना भी है ज़बरदस्त, बट लुक एट द मस्जिद यार, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। सहन, फिर वहाँ पे मस्जिद और मीनार, तो इसकी बात ही कुछ और है, सुभानअल्लाह ज़बरदस्त। मस्जिद में नमाज पढ़ी, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हुई। एक प्रॉब्लम ये हुई जी कि जैसे ही मैंने उन्होंने सूरह फातिहा खत्म की तो मैंने लाउड आवाज में कहा आमीन, और यहाँ पे किसी और ने नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि नमाज फौरन पढ़ने के बाद यहाँ पे दुआ मांगते हैं, तो इन्होंने दुआ मांगी, कोर्स मैंने भी मांगी, व्हाई नॉट। तो बस ये दो चीज थी, रेस्ट एवरीथिंग एल्स वाज गुड, परफेक्ट। बड़े मजेदार मस्जिद। नमाज के बाद दिल आया है कॉफ़ी का, लेकिन भाई कह रहे हैं चाय पियो, कॉफ़ी छोड़ दो पाकिस्तान में। और भाई हमें चाय के लिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है चाय खाना, वहाँ पे लेकर आए हैं, बट लुक एट द स्ट्रक्चर माशाल्लाह। ये है जी इनका मेन्यू और ये सारा कुछ खाने की चीज़ें इनके पास, लेकिन हमें तो सिर्फ चाय पीनी है इंशाल्लाह, सो चाय की जरूरत। अरे वाह, पराठा भी है इनके पास 250 रुपये का। ये चाय है, ये क्या मतलब, सॉरी मैंने दूध पत्ती ऑर्डर की और ये जो है ना एक टावर किस्म की चाय मेरे पास आई। उसके बाद ये लें, ये कंडेंस्ड मिल्क होता है इसको, ओए ओए ओए, और इससे कि यहाँ पे चाय बन गई चाय खाना में। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाली डाइट शुगर, ऑफ कोर्स डाइट शुगर इज़ इम्पोर्टेंट। लग रहा है कि हमारी चाय में चाय कम है, और थोड़ी सी चाय डाल देते हैं। स्वीट में हमने बनाया ये जी मोल्टन केक, और वो वहाँ पे डोनट, पानी मोल्टन केक, बिस्मिल्लाह। डिलीशियस मिल सकते। अब चाय की बारी, चाय आपकी दूध पत्ती भी स्पेशल पत्ती गाँव मैं वो करवा देता हूँ। नहीं बस ठीक है, अभी बस नहीं बताएं मैं वो बनवा देता हूँ। ठीक है, चाय का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। गर्म करवा दो। नहीं नहीं, इधर की सर्विस भी बहुत अच्छी है, मैनेजर से लेकर नीचे वेटर तक सब आ रहे हैं पूछने के लिए। अमेजिंग टेस्ट। डोनट को काटने की ज़रूरत नहीं है, डोनट को ऐसे ही खाना चाहिए। ये भी मज़े का, अंग्रेज़ों के डोनट से कम नहीं है। अमेजिंग। ये कोई अंग्रेज़ों की गाड़ी है। आई थिंक जितनी देर में मैं पसोदिया वापस जाता रहता पाकिस्तानी मुझे चाय के ऊपर आदि कर लेंगे और कॉफ़ी को मैं भूल जाऊंगा। यार ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं जल्दी कश्मीर जाने वाला हूँ तो उस वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।